नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं जिस एग्जाम में साइंस आती, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, फोर्स का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो जिस एग्जाम में साइंस आती है, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी आपके डाउट हैं साथ में ही दोस्तों क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है, इनमें से कौन सा है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोस्तों घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? मोस्ट यूआई क्वेश्चन दोस्तों अमोनिया है। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अमोनिया है चुभने वाले, नाक में चुभने वाले गंध का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? किसके साथ नहीं करता अभिक्रिया? सवर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है नाइट्रिक अम्ल, याद रखना ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। किसके साथ? सवर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है। इनमें से दोस्तों कौन सा सफेद फास्फोरस है? P4 क्या है? P4 सफेद फास्फोरस है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, P4 सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्याज में पीला रंग किसके कारण से होता है? प्याज में पीला रंग होता है क्वेरसिटिन के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्याज में पीला रंग होता है क्वेरसिटिन के द्वारा। नेक्स्ट है, खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? किसके कारण दोस्तों कड़वाहट होती है खीरे में? तो कुकरबिटासिन के द्वारा खीरे में कड़वाहट होती है। किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है, किसके कारण? कुकुरबिटासिन के कारण खीरे में कड़वाहट होती है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? माचिस की तिल्लियों में फास्फोरस होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोरस। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल मेरे साथियों, किसने की थी ऑक्सीजन की खोज? कार्ल सीले ने की थी। किसने? कार्ल सीले ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्ल सीले। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रॉप्स हैं, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। क्या है? एलोट्रॉप्स, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम है ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन सल्फर का साधारण नाम है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्रिमस्टोन। नेक्स्ट है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा से लिया है सल्फर ने अपना नाम। ठीक है, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो सल्फर है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फर। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एक। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है, 6.4 होता है दूध का पीएच मान, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? दोस्तों सल्फर है। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फर। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है क्रायोलाइट, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं?
केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कोई आंख नहीं होती, कोई नेत्र नहीं होता है केंचुए में, ठीक है, डी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? दोस्तों ये स्पीड टेस्ट है, रिवीजन क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। तो गाजर का लाल रंग पूछा है किसके कारण होता है दोस्तों, एंथोसायनिन के कारण होता है गाजर का लाल रंग, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लाइकोपीन। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है बिच्छू का विष, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, बी होगा राइट आंसर। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। क्या है? मृदुकवची है ऑक्टोपस, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मृदुकवची। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक मीन है? इनमें से कौन एक मीन है दोस्तों? फ्लाइंग फिश क्या है? एक मीन है, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले गैस, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्लोरीन। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तीन कक्ष होते हैं दोस्तों मेंढक के हृदय में, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तीन। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में, बी ऑप्शन रहेगा जी दोस्तों राइट आंसर, टेंडन भी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है पत्तियों में बना खाद्य, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, फ्लोएम के द्वारा, डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन के विघटन के द्वारा निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है साथियों? प्रोटीन के विघटन के द्वारा, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है प्रोटीन के विघटन के द्वारा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 42% होती है साथियों सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 42%। नेक्स्ट है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं साथियों? तो याद रखना जेरोफाइट कहा जाता है शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेरोफाइट। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। किसका? टीन और सीसा का, सी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है आंसुओं में, कौन सा पदार्थ? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम पदार्थ गुला रहता है आंसू में, माफी चाहता हूं, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर, लाइसोजाइम, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है, किससे? लाइकेन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं?
तो कुल 20 दांत दो बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर 20 दांत। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में। ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, छोटी आंत सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुखमंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है साथियों, भी रहेगा राइट आंसर टाइलिन। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, डी हो जाएगा राइट आंसर संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट है, किसकी कोष संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडेमा होता है? तो ऑटो ग्रंथि की कोष संक्रिया के कारण होता है साथियों मानव शरीर में मिक्सीडेमा, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ऑटो ग्रंथि। नेक्स्ट है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। उपरोक्त सभी दोस्तों सभी मादा जनन हार्मोन है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दलित वल्क होता है दोस्तों सबसे अधिक कठोर, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दलित वल्क। नेक्स्ट, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है? इनेमिल होता है कशेरुक जंतु के, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग, तो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर इनेमिल। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का दोस्तों याद रखिएगा प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मस्तिष्क। नेक्स्ट है, चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चावल में गुणसूत्रों की संख्या पूछा कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है चावल में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 ही होती है। कितनी? 24 होती है टमाटर में भी गुणसूत्रों की संख्या, ए होगा दोस्तों राइट आंसर। कंडरा जोड़ता है किससे किसको? कंडरा जोड़ता है दोस्तों पेशी को हड्डी से, पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ओरो अस्थि होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ओरो अस्थि, सी होगा राइट आंसर। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? दोस्तों कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमने में, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर कैल्शियम। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर कैल्शियम की कमी से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कौन सा लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में? तो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है सर्वाधिक मात्रा में अस्थि में। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? दोस्तों मुख में प्रारंभ होती है। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मुख में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है आयोडोफार्म का प्रयोग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आयोडोफार्म का प्रयोग दोस्तों किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। थायमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? दोस्तों थायमोसिन है, थायमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर थायमोसिन, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है दोस्तों? यूट्रस है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कौन सा है? यकृत है दोस्तों, जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट,
ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी के दोस्तों फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। महिलाओं में गर्भाशय होता है, कितने गर्भाशय होते हैं महिलाओं में? तो बिल्कुल मेरे साथ याद रखिएगा, एक गर्भाशय होता है महिलाओं में, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एक। नेक्स्ट, इनमें से दोस्तों रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है इनमें से? तो याद रखिएगा, सफिग्मो मैनोमीटर है रक्त दाब का मापक यंत्र। सी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर, सफिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन होता है साथियों, आयोडीन युक्त हार्मोन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थायरोक्सिन ए होगा इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? कौन सी संरचना में? वृद्धांत्र में संलग्न होती है पूछ मानव शरीर में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वृद्धांत्र। नेक्स्ट, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उर्ध्वपातन कहते हैं। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 to 8.4, ठीक है, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैंपू का पीएच मान कितना होता है? शैंपू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 होता है शैंपू का पीएच मान। ए ऑप्शन हो जाएगा साथियों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण है दोस्तों। एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बहुलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल टेटोलॉजी कहलाता है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टेटोलॉजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी कहलाता है। पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ट्रोफोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? तो दोस्तों यूरिया को तैयार किया गया सर्वप्रथम प्रयोगशाला में। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, यूरिया। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट के रूप में होता है पौधों की कोशिकाओं में, याद रखना कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर दोस्तों, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सैलेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट के रूप में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही यूरिया को जानते हैं, याद रखना कार्बामाइड के नाम से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूरिया। नेक्स्ट है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अंगूर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? कौन सा पोषक तत्व शामिल है? मैग्नीशियम शामिल है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दुग्ध जबर किसकी कमी से होता है? दुग्ध जबर
किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है दुग्ध जबर। दुग्ध जबर दोस्तों किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम ए होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। करनाल बंट रोग का संबंध तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर गेहूं। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? साथियों जस्ता की कमी से होता है धान में खैरा रोग, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जस्ता, डी होगा राइट आंसर। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तो एस लहर है दोस्तों, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर एस लहर। नेक्स्ट है, देखिए वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है वनस्पति घी के निर्माण में, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, याद रखना, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ठीक है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है किसके द्वारा? लाल चींटी के द्वारा, ठीक है, तो सी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लाल चींटी सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, कौन सा द्रव्य पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर, ठीक है, उसके डंक में, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में सर्वाधिक होता है, किसमें? छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, छोटी आंत सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है दोस्तों, ठीक है, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी? 78 होती है कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 78। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण करता है थर्मोस्टेट, कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है साथियों? उदर से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उदर। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, किसका? आरबीसी का, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो हीपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हीपेरिन। नेक्स्ट, गैमेक्सिन है एक, गैमेक्सिन दोस्तों क्या है? गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक, गैमेक्सिन क्या है दोस्तों? एक कीटाणुनाशक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कीटाणुनाशक, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? किन में होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे कम पुनर्योजन शक्ति, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, देखिएगा। नेक्स्ट,
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जू में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कशेरुक रज्जू। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकांड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकांड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, माइटोकांड्रिया। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकांड्रिया में होता है दोस्तों भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, किस भाग में? माइटोकांड्रिया में। नेक्स्ट है, H1N2 विषाणु पैदा करता है। H1N2 विषाणु पैदा करता है, क्या पैदा करता है? श्लेष्मी जवर पैदा करता है, श्लेष्मी जवर पैदा करता है H1N2 विषाणु। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, श्लेष्मी जवर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से भाग में कंकर मौजूद होता है? कौन से भाग में कंकर मौजूद होता है? पित्ताशय में दोस्तों मौजूद होता है कंकर। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाप तापोचार पीड़क उपचार एवं नियंत्रण की एक इनमें से कौन सी पद्धति है? डॉट 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 पद्धति है। तो दोस्तों गैर रासायनिक पद्धति है, याद रखना, भाप तापोचार पीड़क उपचार एवं नियंत्रण की एक गैर रासायनिक पद्धति है भाप तापोचार। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, बिल्कुल भाप तापोचार पीड़क उपचार एवं नियंत्रण की एक गैर रासायनिक पद्धति है। नेक्स्ट है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है निमाटोड के द्वारा। कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस होता है। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एड्स क्या है? क्या है एड्स? एड्स दोस्तों घातक मृत्यु रोग है। एड्स क्या है? एक घातक मृत्यु रोग है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है दोस्तों? सिक्रेटिन हार्मोन है सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन हार्मोन है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिक्रेटिन। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखें कितने मेगा पिक्सल की होती हैं? दोस्तों मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल की होती है मनुष्य की आंखें। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 576 मेगापिक्सल। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो लोग दोस्तों पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।